एम ए फील्ड साइंटिस्ट, आई हैव स्टडीड मैं एक फील्ड साइंटिस्ट हूँ। मैंने एग्रीकल्चरल साइंस को स्टडी किया है, रूरल इनोवेशन और एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मॉडर्न्स को भी स्टडी किया है। मैं खुद को एक फील्ड साइंटिस्ट हाउ मानती ग्रेट हूँ। साइंटिस्ट यू आर, हाउ ग्रेटेस्ट योर साइंटिफिक इनोवेशन इज, इट इज ऑफ नो यूज अंटिल एंड अनलेस द एंड यूजर स्टेक होल्डर्स द अगर लास्ट आप स्टेक होल्डर्स तक नहीं पहुंच पाते, छोटे किसानों तक नहीं पहुंच पाते, तो आपकी तमाम इनोवेशंस किसी काम की नहीं है। इसलिए इसलिए मैंने अपने वर्षों को टेस्टिंग, इवेल्यूएशन और अनेक डिलीवरी मैकेनिज्म, मॉडल्स और पार्टनरशिप में इन्वेस्ट किया ताकि क्वालिटी सीड विकसित किए जा सकें, ट्रेनिंग हो, नॉलेज हो और इसका लाभ छोटे स्तर के किसानों तक पहुंच सके। मैंने कम्युनिटीज के साथ काफी काम किया है, महिलाओं के साथ, उनके संस्थानों के साथ, ग्रामीण युवाओं के साथ, ताकि ये पक्का हो कि उनका विकल्प आगे तक पहुंचे। मुझे बहुत से लोगों ने, इनोवेटर्स ने प्रेरित किया है, डॉक्टर नोनो बोलोग, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर स्वामीनाथन। मैंने इन सबसे ये सीखा कि जब हम सपने देखते हैं और जब हम बड़े सपने देखते हैं, तो हमें ये पक्का करना चाहिए कि हम अपनी ऊर्जा को समाज के बदलाव के लिए इस्तेमाल करें, अपनी निजी उपलब्धियों के नहीं। मैं ये भी पक्का करूंगी कि जो भी साइंस से जुड़ा काम मैं करती हूँ, जो इंटरवेंशन करती हूँ, उसका समाज के बदलाव में इस्तेमाल होना चाहिए। आप ये मानने के लिए शुक्रिया कि अगर साइंस की बात हो तो दुनिया एक है। आइए आज का ये सेमिनार देखते हैं। Welcome to the Catalyst of Change Women Leaders in कैटलिस्ट ऑफ चेंज वीमेन लीडर्स इन साइंस सेमिनार सीरीज में आपका स्वागत है। ये स्पेनिश, फ्रेंच और हिंदी में उपलब्ध है। इसके लिए आप ट्रांसलेशन बटन को क्लिक कर सकते हैं जो बेस पर दिया गया है। आप हमारे YouTube और सोशल मीडिया चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको QR कोड दिखाई देगा जिससे आप स्लाइडो तक पहुंच बना सकते हैं। हम आज एक एग्रीकल्चर रिसर्च से जुड़ी एक यंग लीडर से मुलाकात करेंगे। ये हैं स्वाति। स्वाति नायक का इंटरव्यू करेंगी मधुलिका सिंह, जो सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स में काम करती हैं। तो मैं डायरेक्टर जनरल साहब से अनुरोध करती हूं कि वो आज की इस इस सीरीज को ओपन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग भी लाइन पर हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूं और इस एक और वेबिनार में हम आपका स्वागत करते हैं जो है विमेन लीडर्स इन साइंस के बारे में। हमने इस फायर चैट स्टाइल सीरीज को इसलिए शुरू किया है ताकि हम महिला लीडर्स के बारे में आप तक पहुंच सकें, आप तक उनके विचार पहुंचा सकें। हम ये भी बताना चाहेंगे कि अब भी संस्थानों में महिला लीडर्स की कमी क्यों है। इसलिए इस सीरीज में हम ऐसी महिलाओं को हाईलाइट कर रहे हैं जो साइंस के फील्ड में, एडवांस रिसर्च के क्षेत्र में काम कर रही हैं, जो अपने गांवों से जुड़े हैं, अपने समुदायों से जुड़ी हैं। I'm very pleased and honored to today present बहुत प्रसन्न हूं और गर्वित महसूस कर रहा हूं कि आज कैटलिस्ट ऑफ चेंज के सीरीज में स्वाति नायक आज हमारे साथ हैं। She holds the prestigious title of 2023 Borlaug Field Award recipient from the World Food Prize Foundation and she also serves आपको वर्ल्ड फूड प्राइस फाउंडेशन से 2023 में पुरस्कार भी मिला है। Is a lead scientist within Iris, सबसे बड़ी बात यह है कि
वे एक लीड साइंटिस्ट हैं. Social equity and seat access, and also with the demands of value chain stakeholders. कई ऐसे क्षेत्रों में काम कर रही हैं जिससे खेती भी सुधरेगी और समाज भी सुधरेगा. Potential varieties in farmers' fields and facilitating seed market development to give farmers access to high-quality seeds sought after crop. इनकी कोशिश है कि किसानों को ऐसे बीज मुहैया कराए जाएं जो बेहतर हों. आपने साउथ एशिया में बहुत महत्वपूर्ण हस्तियों के इंटरव्यू लिए हैं. Scaling innovation, delivery systems, technology transfer, and extensive public-private community partnership strategies that focus on. इसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया है ताकि समाज पर इसका सकारात्मक असर पड़ सके और खेती बेहतर हो सके. She has contributed to the establishment of numerous seed production businesses led by women, championed by women and smallholder farmers. Above all, her educational journey includes a PhD in competitive intelligence for agriculture and management strategies. PhD की है management strategies में, rural management में master's institute की है, Institute of Peru से. She has more than 13 years of experience in agriculture and rural. आपको खेती में 13 साल का अनुभव है और innovation के क्षेत्र में भी. We are honored to have Swati here because she is one of the young leaders. और गौरवान्वित हैं कि स्वाति आज हमारे साथ हैं. आपने अपने कार्यों से इस क्षेत्र में अपना नाम बनाया है. थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया. एंड थैंक यू एटलीस्ट ऑफ टीम की चेंज का बहुत शुक्रिया. ब्रैम साहब का भी बहुत शुक्रिया. Of my work and background. आपने मेरे बैकग्राउंड और काम के बारे में इतना लंबा परिचय दिया. मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही खास है क्योंकि यहाँ बात होती है महिलाओं द्वारा जो उदाहरण सेट किए गए हैं उनके बारे में चर्चा होती है. इसके जरिए हम ज्यादा ऑडियंस तक पहुँच सकते हैं. Scientist who has been working. आज मैं यहाँ एक women field scientist की हैसियत से आई हूँ. Rice breeding innovation platform, but also working with CGIAR. Rice के क्षेत्र में भी काम किया है. तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं अपने काम को आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ. 2030 में मुझे एक प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिला. Community, engaging women, engaging, हम लोगों को महिलाओं को अपने अलग अलग इनोवेशन के साथ में जोड़ते चले आए हैं. इसके अलावा हमने डिलीवरी मॉडल्स और मैकेनिज्म के साथ भी काम किया है. मैं अपने टेक्निकल काम के बारे में अब आपसे चर्चा करना चाहूंगी. आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल. व्हेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ वी आर टेकिंग द सीड्स टू द एंड यूजर टू द फार्मर फ्रॉम द लैब टू द मार्केट. मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम बीजों को कैसे किसानों तक ले जाते हैं. Deliver the genetic gain in farmer field. It's also about their livelihood. लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है. ये बात empowerment और equity से भी जुड़ी हुई है. हम बीज और उसके महत्व के बारे में जानते हैं. That how critical it was in shaping up the green revolution and when the high. हम जानते हैं कि बीज का हरित क्रांति के क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है. ऐसे गुणवत्ता वाले बीजों को किसानों को लाखों किसानों को दिया गया. इन्हें दक्षिण पूर्व में और भारत में और
विकासशील देशों को दिया गया. इन बेहतर बीजों की बदौलत ही ऐसा हो पाया है. अच्छी बात यह है कि ज्यादा निवेश के बिना छोटे स्तर के किसान इन बीजों में निवेश कर सकते हैं. अगर आप अच्छे बीज इस्तेमाल करते हैं तो आपकी उत्पादकता में 15-20% तक वृद्धि हो सकती है. In order to realize those yield gains and productivity increase, we need to ensure that in फायदों को और मुनाफे को हासिल करने के लिए हमें ये भी जानना चाहिए कि बीज ऐसे बीजों तक पहुंच कैसे हो. Talking about or struggling or grappling with the challenges of varietal turnover, like still farmers grow very age-old varieties. हम कई चुनौतियों से जूझते रहे हैं कि किसान अब भी पुरानी किस्मों को इस्तेमाल करते हैं. And in the rice perspective, it is again like, you know, very alarming that, you know, we need chawal to... Chawal ke maamle mein sthiti badi chintajanak hai. You know, thousands and thousands of new varieties have arrived and only handful of varieties are available in the seed. Aaj chawal ki hazaron kisme aa chuki hain, lekin phir bhi mutthi bhar beej hi mil pa rahe hain. Mutthi bhar kism ke beej hi mil pa rahe hain. And as well as the quality seed replacement is also happening with the farmers. लेकिन अब बीजों की नस्लें किस्में बदल रही हैं. As we know, the challenges that has been increasing, new generation germplasms are going to play an important role. The climate change, the चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, जैसे कि जलवायु बदल रही है, पोषण को लेकर भी चुनौतियां खड़ी हो रही हैं. पर इन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है नई टेक्नोलॉजी के जरिए. इस दिशा में हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं. While we talk about this, and we also know that the existing demand and supply gap and the lack of access of quality seeds to the smallholders, even now, demand और supply के बीच के अंतर को जानते हैं. A lot more need to be done. अभी इस क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना है. Apart from all these, you know, backgrounds, we also need to understand that. पृष्ठभूमियों के अलावा हमें ये भी समझना होगा कि सिर्फ बीज ही इनपुट नहीं होते हैं. Operates in, you know, evolved marketplace for many commodities, especially the largely grown cereal crops, which are considered as very critical and central to food security of millions of masses. These products have. और भी चीजें हैं जो लाखों करोड़ों लोगों की भूख मिटाने के लिए जरूरी हैं. Opportunity which can lead to strengthening the livelihood opportunities for the farmers just beyond, you know, basic productivity. और अगर इस क्षेत्र में परिवर्तन आता है तो उससे किसानों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ता है, वो सुधर सकती है. The smallholder farmers and community are having enough varietal intelligence about the new varieties that has been arriving and what they can grow, what they can replace. ये सुनिश्चित करना होगा कि जो नई varieties आ रही हैं, क्या उनकी जानकारी किसानों को है? तो ये वो चीजें हैं जिन्हें हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि किसानों की पहुंच सिर्फ quality seeds तक ही ना हो, बल्कि वो ढांचागत सुविधाएं भी हों जिनके जरिए ये उन तक पहुंचे. हम देख रहे हैं कि सिर्फ 30% सीड रिप्लेसेबिलिटी ही नजर आ रही है. और हम ये देख रहे हैं कि काफी प्रतिशत ऐसा है
किसानों का काफी ऐसा प्रतिशत है जिनकी इन बीजों तक पहुंच नहीं है, जो नए हैं। तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जो क्वालिटी सीड्स हैं या नई वैरायटीज हैं, उनका उनकी पहुंच किसानों तक सही समय से हो। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें कुछ नया करना होगा, और हम इससे डरते नहीं हैं। In between it was necessary, as we also know that seeds are not just critical inputs, but these are also products. हम जानते हैं कि बीज सिर्फ critical input ही नहीं है। Whatever germplasms we are providing as being a noble germplasm is giving them value propositions against their older varieties or the farm. हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि उनकी जो पुरानी किस्में थी उनके मुकाबले ये नए बीज कैसे उन्हें ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं? हमारा खेती वाला इलाका लगभग समान ही है, बल्कि अब तो ये शायद घट भी रहा है क्योंकि गांवों से लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। खेती वाले जो क्षेत्र हैं वो कम हो रहे हैं, और इसके लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। ऐसे में किसानों को नई वैरायटी उगानी होगी so that we can convince them, we can showcase them and tell them to, you know, grow that because it is giving them a value proposition. हमें किसानों को ये समझाना होगा कि आप ये नई किस्में उगाइए, ये बेहतर है। Consideration, but to name few non-negotiables or essential pillars which we could take in the case of rice was the growing methods, the maturity groups, how the grain shape would be, the cooking quality, ecology, and within that we also segregated in terms of their different value added trait on each traits like climate resilience or, you know, having micronutrients or the protein content. इसके अलावा भी कई ऐसे फैक्टर हैं जो जिम्मेदार हैं, जैसे micronutrients वगैरह, nutrients वगैरह. You know, a very targeted varietal development and advancement. It led to targeted positioning and also, you know, having a better product choice and reducing the risk. It created a... इससे product choice और बेहतर होता है, risk घटता है. Alternatives and also to look for, you know, second best alternatives among the farmers. And we could do... इसके अलावा वो दूसरे बेहतर विकल्प की तरफ भी देख सकते हैं. और इससे हम न सिर्फ किसानों को बल्कि डीलर्स को, डिलीवरी एजेंट्स वगैरह को भी इस बारे में बेहतर ढंग से बता सकते हैं कि उन्हें किस तरह की वैरायटी को बढ़ावा देना चाहिए और कौन सी वैरायटी को छोड़ना चाहिए। अगर पहली नस्ल उपलब्ध नहीं है तो उसकी जगह कौन सी वैकल्पिक किस्म को लिया जाए, तो हम इसे अपनी ब्रीडिंग प्रोग्राम के साथ बहुत बहुत करीब से जोड़ते हैं। इसके लिए हम सिर्फ ब्रीडिंग कम्युनिटी से ही बात नहीं करते हैं, बल्कि साथ ही हम अपने एक्सटेंशन डिपार्टमेंट सिस्टम के साथ भी बात करते हैं। Differences or, you know, connections which are missing, they talk the same language and they understand the common vision over here. So while doing so, we started engaging both of them through common platforms, through rigorous advancement meetings, discussions, deliberations. इसके लिए हमने कई कदम उठाए हैं, उनसे open nomination के बारे में कहा है। We saw that many institutions actually nominated many competitive products and we handed it over to the hands of the farmers to lay out, to evaluate and check that within this pool of randomized, you know, competitive products in a particular market segment against a popular and dominant market
leading variety at that point of the time, what value they see. So they were the judges of that, what is happening and what is हमारे इन प्रयासों के वो एक तरह से जज थे कि किन चीजों से फायदा होता है, किन चीजों से मुनाफा नहीं होता है. Seed trade organizations to invest in early generation seed merchants and many other stakeholders to sell and disseminate the seeds. But at the same time, it was also a very rigorous seasonal contextual learning, comparative learning for the farmers to see. लेकिन इन प्रयासों के दौरान किसानों ने काफी सीखा भी है कि उनके लिए क्या चीज काम करती है और क्या चीज काम नहीं करती है. इससे वो ये तय कर पाते हैं कि किन बीजों को वो अपने लिए बचा कर रखें. You know, run such type of trials by connecting them with the breeding network, and that communication led to one outcome that they all started speaking about the common language. But how do we? इसका परिणाम ये हुआ कि इन सब ने एक समान भाषा में बात करना शुरू किया. जब हमारे पास में ये सशक्त डेटा होता है, Interventions to have a more escalated value and etc. So we got a lot of realistic evidences on what going to work and what going not going to work, and that then created. इस प्रक्रिया के दौरान हमें ये पता चला कि कौन सी चीजें काम करती हैं और कौन सी चीजें काम नहीं करती हैं. Positioning, demand creation, and and as well as the supply stream strengthening of those new varieties are happening. So while we worked in the demand side, we also worked on the supply side at institutional. हमने demand side में काम करने के साथ साथ supply side में भी काम किया. हमने strategic institutions से अपना विस्तार करने को कहा. Map the nearest closest multiplier network who would multiply into the commercial or quality level. साथ ही हमने multiplier network पर से भी संपर्क किया. And we created avenues that alternative institutions are coexisting with each other by giving a maximum or massive push to a new variety in the supply chain as when the extension system got busy in creating demand for the varieties. As we talked about how did we created that coexistence of ensuring that the supply of new varieties and new seeds are happening in large quantity. We know there are formal systems, but we also know they can. हम जानते हैं कि औपचारिक प्रणालियां हैं, लेकिन वो सिर्फ 30-35% ही client based या किसान based होती हैं. लेकिन बाकी 60-65% का क्या, जिनकी अच्छे बीजों तक पहुंच नहीं है, ना ही उनके पास कोई क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म है, ना उनके पास में डिलीवरी का कोई की प्रणाली है. तो हमने किसानों के संगठनों की मदद लेना शुरू किया. हमने कई सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच कराई, उनके बारे में उन्हें बताया. Who can get into seed production, seed enterprise. साथ ही हमने उन संगठनों से भी संपर्क किया जो बीजों का प्रोडक्शन कर सकते थे. The infrastructure support, the market access, and also in terms of their eagerness, keenness, and how proactive. इसके लिए बहुत सारे तत्व जिम्मेदार हैं और उन तमाम बातों के अलावा उनकी इच्छा भी बहुत महत्व रखती है कि वो ऐसा करना भी चाहते हैं कि नहीं. Primarily focused to start with, collective enterprise mode, and then we started mobilizing. हमने collective enterprise mode के साथ शुरुआत की.
इस प्रयास में काफी महिला किसानों को शामिल किया, मौजूदा समूहों को शामिल किया। Capacity and skill, we mostly capture the low-hanging fruits around the technical aspects. That is, you know, the most easiest part would be probably the quality seed production trainings. But what was missing for them? The सबसे ज़्यादा आसान काम होता है quality बीज बनाने का की प्रक्रिया। Networking और market linkage भी एक ऐसा तत्व था जो वजूद में नहीं था। तो इस संदर्भ में हमने तीन अलग पिलर्स पर फोकस किया। इससे काफी इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म्स बने, बायर सेलर मीट हुई, हमने सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर से बात की, किसानों से बात की, क्वालिटी इंस्पेक्शन के बारे में उन्हें समझाया। और इससे इन संस्थानों में बदलाव आना शुरू हुआ। अब ये सिर्फ सीड प्रोड्यूस ही नहीं करते बल्कि वो सीड एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। Gradually showing a lot of progress with, you know, linkages and the support or technical backstopping created through us or through the national partners and institutions. We spoke about the livelihood and enterprise, but you know, हमने लोगों की रोजी के बारे में बात की। लेकिन साथ ही नॉलेज इक्विटी भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां तक छोटे स्तर के किसानों की पहुंच नहीं है। हो सकता है कि कोई ट्रेनर या साइंटिस्ट किसानों के पास जाए, लेकिन वो पूरे सीजन उनके पास नहीं रह सकता। उन्हें दिन ब दिन के काम में मदद की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम किसानों के साथ संपर्क करते हैं तो हमें उन्हें ऐसी जानकारी देनी चाहिए जो उनके संदर्भ में उनके फायदे की हो। They will be doing if they want to ensure that they are producing the quality seeds, like, you know, ticking the box, like what they did, what they didn't do, you know, all those kind of simple उन्हें इस बारे में विस्तार से देखना होगा कि उन्हें क्या करना चाहिए था और उन्होंने क्या किया। उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने बल पर बीजों का उत्पादन कर सकें। हमने अपने प्रोडक्ट प्रोफाइल को और वैरायटल नॉलेज को सरल बनाया। हमने उत्पाद रूपरेखा के बारे में बात की। So we try to actually revisit, like, you know, what kind of detailed information is there, but we created it in a form which is easy for the decision making for them. हम उनके लिए ये सारी चीजें इतनी सरल रूप में बनाने की कोशिश करते हैं जिससे वो फैसला लेने में उनके लिए आसानी हो सके। हम उन्हें वैकल्पिक उत्पादों के बारे में बताते हैं। अगर ऐसा होता है कि जो प्रस्तावित वैरायटी है अगर वो नहीं मिलती है तो उसके बदले में कौन सी किस्म इस्तेमाल की जा सके और उन्हें इसके उगाने से क्या आर्थिक आय हो सकती है। तो हम इन बातों को स्थानीय भाषा में, बड़ी सरल भाषा में बताने उन्हें देने की कोशिश करते हैं। साथ ही हम
मैसिव कैपेसिटी और नॉलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम पर भी जोर देते हैं। हम इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स के लिए अलग तरह से डिजाइन करते हैं, किसानों के लिए अलग तरह से, ऑफिशियल्स के अलग तरीके से। How did we went to formalizing many informal institutions or the community? हमने कई informal institutions को formalize करने की भी कोशिश की है. Women were central to it, and I think if we talk about the seed business and enterprise and our training programs, most of the participants, even at many locations, 60-70%. अगर हम enterprise और की बात करते थे तो सिर्फ 70% के करीब महिलाएं होती थी। Community agents, they were involved in rigorous exposure, seminars, field tours, learning from other incubators, other entrepreneurs. बहुत से stakeholders को कई exercises में शामिल किया गया। ऐसा सिर्फ classroom training तक ही सीमित नहीं था। उनके लिए marketing events भी organize की गई ताकि उनका विश्वास बढ़े और वे और निखरे। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसमें हम अपनी फैसला लेने की या डिलीवरी के तौर तरीकों को ऐसे में एक सवाल पैदा होता है कि हम मार्केट इंटेलिजेंस को क्यों ना पैदा करें ताकि हमारा सीड सप्लाई सिस्टम मांग पर आधारित हो। हमारी प्रणालियां काफी मुश्किल हैं, पेचीदा हैं, अनेक संस्थानों के बीच में विश्वास की कमी है। इनके पास में बजट कम है बड़ी प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनीज के मुकाबले। ये बड़ी संख्या में बीजों को इकट्ठा करके भी नहीं रख सकते हैं, उनका स्टॉक नहीं रख सकते। Which represented the, you know, say the government officials, and their goals were more in terms of social outreach and philanthropic, whereas the corporations wanted more, you know, incentive business to run. So a lot of dilemma remained between these two parties to whom. सरकार और जो multinational companies हैं उनके बीच में एक अंतर बना रहता है। सरकार का काम ज्यादातर लोकोपचार का होता है और जो कंपनियां हैं वो मुनाफा कमाना चाहती हैं, तो दोनों के बीच संतुलन बनाना बड़ा मुश्किल होता है। हम इस पहलू पर भी ध्यान दे रहे हैं। हमारी ये भी कोशिश रही है कि जो किसानों की चॉइस है, जो उनका विकल्प है, उसका सम्मान किया जाए। were having almost one hosted by themselves at their, you know, different locations in our countries of interventions. You know, scientifically this looked like a, you know, it replicated multiple varieties trial, but it also engaged thoroughly a lot of stakeholders together, brainstorming and selecting these varieties on the basis of scorecard ranking. And but also the what interesting part was that when these events of varietal selection happens or the दिलचस्प बात ये थी कि जब इन varieties को चुना गया तो लक्ष्य था कि आपस में बातचीत की जाए, पक्षों के बीच बातचीत हो कि क्या चीज भारत के लिए काम करेगी या किसी खास क्षेत्र के लिए कौन से बीज काम करेंगे। किसान और मार्केट्स के स्टेक होल्डर्स आपस में बात करते हैं and deciding
they click what are the best one or two products they would be liking to take over. और फिर ये तय होता है कि एक या दो ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको चुना जाएगा. Such kind of events. So it served you know multiple results by doing this exercise. इस एक्सरसाइज को करने से कई मोर्चों पर फायदा पहुंचा. These are maintained by the farmers. These are in the farmer field and so meticulously run by many farmer collectives so confidently at this point of time and also by many extension agencies that works in the national systems and we also tried to create community varietal clusters and also हमने community आधारित varietal और seed clusters की दिशा में भी काम किया. इसके लिए early generation वाले बीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है किया गया. हमने ये कोशिश की कि नए बीज उपलब्ध हो सकें, उनकी अर्ली जनरेशन किसानों को मिल सके. When we exit from that area and the farmers look for the seeds and it is not timely available, they might shift to the alternative and we may lose the. कई बार ये होता है कि जब हम किसी बीज के बारे में बात करते हैं लेकिन वो बीज किसानों के लिए उपलब्ध नहीं होता तो फिर वो किसी दूसरे विकल्प की ओर बढ़ जाते हैं. Also serving as quality seed production clusters by rigorously training those community you know the groups or the farmers who are hosting the cluster so that they are also self sufficient in their quality seed till the government or the formal distribution system is taking over for the new variety. And we engage thoroughly with also the critical actors like the dealers and millers. Hum dealers aur millers ke sath bhi baat karte hain kyunki ye market se jude hote hain to inhe bhi shamil karna zaruri hai aur hum inki andekhi nahi kar sakte hain. Seed market mein inka bada ahem role hota hai. हम अलग अलग माध्यमों से इन्हें भी सक्रिय रूप से अपने साथ जोड़ते हैं. अब मैं आपके सामने सारांश लाना चाहूंगी कि हम बदलाव कैसे लाएं. पहले तो इनोवेशन और डेडिकेटेड कोशिश जरूरी है. हमें सुनिश्चित करना होगा कि हम जो कहना चाह रहे हैं वो उस बात को समझें, किसान हमारी बात को समझ पाए. जो हम बदलाव ला रहे हैं उनके प्रति वो अपना खुला नजरिया अपनाएं. चीजों को सुनियोजित करने के लिए समय लगता है लेकिन ऐसा संभव हो पाएगा क्योंकि हमारा नजरिया एक समान है. No, in the case of seed, that is not the case. And for many product, it is not the case. For many crops. So that is what we believed, and we brought them together to weave into a integrated framework. And हमने कोशिश की है कि इन पक्षों को एक integrated framework के तहत लाया जाए. हम स्केल वॉल्यूम और स्पीड को नहीं भूलते हैं. Work in silos but not ensuring that scaling pathways. So we categorically invested and also evaluated ourselves that how the scaling aspect of those germplasms is going and what direction it is going, what we are learning and what momentum needs to be pushed ahead. So all those aspects remain a critical driving factor for us. And ये सारे पहलू हमें ध्यान में रखने होते हैं. और आखिर में ये कहना चाहूंगी कि हमारी एक शक्ति ये थी कि हमने हर स्तर पर लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला किसान हो, या फिर मार्केट से जुड़े लोग हो. यानी हमने किसी को भी इस पूरी प्रक्रिया में नजरअंदाज नहीं किया. शुरुआत प्लानिंग से हुई और अंत हुआ डिलीवरी तक. लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं आप क्या अलग करती हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम कुछ डिफरेंट, हम अलग चीजें नहीं करते हैं बल्कि अलग ढंग से करते हैं.
exciting and engrossing presentation. बहुत बहुत धन्यवाद, आपका ये प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको ये पुरस्कार मिला। नमस्कार, मैं हूँ मधुलिका सिंह, मैं विमेन इन क्रॉप साइंस ग्रुप्स की सक्रिय सदस्य हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने विमेन लीडर्स के लिए इतना अच्छा मंच बनाया। डॉक्टर नायक ने वाकई अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है, आपकी कड़ी मेहनत की वजह से ही ये बदलाव पैदा हुआ है। आपके काम को और बेहतर ढंग से समझने के लिए कि खेत में क्या कामयाब रहा और क्या नहीं रहा, अब उस बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस प्रोफेशनल आपकी इस प्रोफेशनल जर्नी में कौन विमेन रोल मॉडल रही? मुझे नहीं मालूम, ये बहुत मुश्किल सवाल है, इसका जवाब देना मुश्किल है, पर मैं किसी एक शख्स का नाम नहीं ले सकती कि मैं उनसे प्रेरित हुई, क्योंकि मेरा मानना है कि हर किसी का सफर बहुत अलग होता है। हम किस तरह शुरू करते हैं, हमारी क्या पृष्ठभूमि होती है, ये सारी चीजें हमारे जीवन को पर असर डालती हैं। मैं कुछ नाम ले नहीं लेना चाहूंगी, क्योंकि इससे मेरे जवाब का सवाल का सही जवाब नहीं मिलेगा। मैंने बहुत छोटी उम्र में काम करना शुरू कर दिया था, जो जुड़ा था महिला किसानों और उनके कार्यक्रमों से। उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली, मुझे उनमें काफी संभावना दिखी। That could lead to better change, like be it simple information, you know, simple tools. अगर आप सरल भाषा, सरल सूचना, सरल टूल ये मुहैया कराते हैं, तो उससे काफी फायदा होता है। लेकिन उनके न होने से उनकी प्रगति प्रभावित हुई। In the context of South Asia, what I have seen growing up in my and in all this career, and that carried tremendous opportunity to coexist with what is happening. We often एक जबरदस्त मौका पैदा हुआ कि इन लोगों के साथ में कैसे सह अस्तित्व बनाया जाए। But no single institution or setup can ever cater to the needs of the millions of client face. Let us be practical. लेकिन ये सच है कि कोई भी एक संस्थान या संगठन लाखों करोड़ों किसानों की पूरी तरह मदद नहीं कर सकता है। तो एक ही तरीका है कि लोगों को सशक्त बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए। आप अपने को सशक्त बनाएं, अपने लिए रास्ता खुद बनाएं। तो मुझे उन ग्रास रूट वॉरियर्स से शक्ति मिली। साइंस में और महिलाओं को लाने के लिए फोकस होना चाहिए प्रोक्रिएशन पर, यानी मिलकर काम करें बजाय इसके कि आप अलग थलग हो जाएं। क्या आप कभी यही मानना है, और आप क्या इस सिलसिले में कोई उदाहरण देना चाहेंगे? आपने सही कहा, ये बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़कर चलें, अपने आप को अलग थलग ना रखें। इसमें न सिर्फ महिलाओं और महिलाओं को साथ काम करना चाहिए, बल्कि महिलाओं और पुरुषों को भी साथ काम करना चाहिए। हमें एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। मिसाल के लिए, मैं अपने आप को सोशल रिसर्चर और मार्केट डेवलपमेंट एक्सपर्ट का एक मिश्रण मानती हूँ।
मेरी ये स्किल ज्यादा हाइब्रिड कही जा सकती है, लेकिन जब मैं काम कर रही थी तो मैंने ऐसे कई महिला साइंटिस्ट के साथ काम किया जो ब्रीडर्स थी, मैं शुरू में जिस तरह काम कर रही थी वो बहुत अलग तरह का था, लेकिन मन में ये मालूम था कि हम एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं। चुनौती ये थी कि उस कॉमन गोल को कैसे पहचाना जाए। तो इस सिलसिले में मैंने अपने कई साथियों के साथ काम किया जो दूसरे क्षेत्रों से भी संबंध रखते थे, जो ग्राउंड पर रिसर्च गतिविधियों से जुड़े हुए थे। तो हमने एक दूसरे से सीखा और इसी को फॉलो किया। हम अपने काम के माहौल को CGI कैसे जेंडर सेंसिटिव बना सकते हैं, इसके लिए कुछ चीजें कही जा सकती हैं। हम किसी की अनदेखी नहीं कर सकते, तो क्वालिटी भी जरूरी है और क्वांटिटी भी जरूरी है। ये अवसर बनाया जाना चाहिए टारगेटेड मोड के साथ, women are representing at different forums and platforms and also in terms of like creating work environment to काम के माहौल को बनाने के सिलसिले में एक लचीला माहौल बनाया जाना चाहिए जिसमें लोग अपने विचारों को एक दूसरे के साथ, अपनी चिंताओं को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, उन्हें क्रिएटिव होने का मौका मिले। कुछ लोग मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, एक अनोखी सोच रख सकते हैं, महिलाएं अपने घर को भी संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं और अपने प्रोफेशनल पहलू को भी संभालती हैं, तो उन्हें इसके लिए कुछ नया करना पड़ता है और वो भी सीमित समय के अंदर। तो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप ये सब कैसे कर पाती हैं? मैं कहती हूं कि मुझे नहीं मालूम, मैंने अपने आप को री इंजीनियर कर लिया है इसलिए मैं अपने काम को ज्यादा बेहतर ढंग से काम कर पाती हूं। और ये जरूरी कि मैं पहले जितना डिलीवर कर पाती थी आज उससे ज्यादा डिलीवर कर पाती हूँ, तो हमें ये फायदा मिलता है और इसका उपयोग किया जाना चाहिए। जब मौका मिले तो उसका फायदा उठाना चाहिए, साथ ही लचीलापन होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो महिलाओं के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन आसानी से कर सकता है। मुझे आपसे इतने ही सवाल पूछने थे, लेकिन अभी उतना समय नहीं है, तो मैं अब इजाबेल को माइक देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपकी बातचीत बहुत दिलचस्प थी। हमें कुछ स्लाइडों पर सवाल मिले हैं, तो मैं पहला सवाल पढ़ती हूँ। आपके काम से काफी हाई स्टैंडर्ड था, तो आपको कौन सी इंटरनल और एक्सटर्नल चुनौतियां झेलनी पड़ी? आपके प्रेरक काम से बहुत ऊंचे मानक स्थापित हुए हैं, वो ऐसे क्या एक्सटर्नल और इंटरनल चुनौतियां थी जिनका आपने समाधान निकाला? ये चुनौतियों से जुड़ा सवाल है। How do I segregate internal and external? Because मुझे नहीं मालूम कि मैं अंदरूनी और बाहरी चुनौतियों को कैसे अलग करती हूँ, क्योंकि ये चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज एक्सटर्नल या बाहरी है।
इंटरनल फॉर मी सो बट आई कैन मेरे काम से जुड़ी हर चीज मेरे लिए इंटरनल हो जाती है. बीइंग ए वुमन प्रोफेशनल हैविंग माय एस्पिरेशंस बट आल्सो मैं एक महिला प्रोफेशनल हूं, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं. बिटवीन यू नो डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस दैट प्रोबब्ली यू नो माय अदर रोल्स इन मेरी जो दूसरी भूमिकाएं हैं समाज में जो मेरे कार्य हैं मुझे उनके साथ तालमेल बनाना पड़ता है और ये संघर्ष छोटा मोटा नहीं काफी बड़ा होता है. इसका सामना करने के लिए अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखरेख करने के लिए और आप जो कुछ पाना चाहते हैं उसका वो सपने देखते रहने के लिए मेरे दिमाग में ये सारी बातें आती रहती हैं और मुझे लगता है कि महिलाएं इन चुनौतियों का सामना बखूबी कर सकती हैं. वो कई चीजों के बीच अच्छा तालमेल बिठा सकती हैं. तो मुझे इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाने पड़े. इनमें से एक बात यह थी कि मुझे अपने घर में बातचीत शुरू करनी पड़ी और अपने काम वाली जगह पर भी अपनी टीम से अपने मैनेजर से कि मैं उन्हें वास्तविकता के बारे में बताऊं. मुझे हर तरह की पॉजिटिव सपोर्ट मिली. मुझे मैनेजर से भी सपोर्ट मिली, मुझे परिवार से भी सपोर्ट मिली. मैंने इन चीजों को बखूबी संभाला. अब मैं आज कभी कभी सोचती हूँ कि आखिर मैंने ये सब कैसे किया. पर कहा जाता है ना कि बहादुरों का ही किस्मत भी साथ देती है. And I have been really, you know, while I consider that, you know, CGIAR is not a common workplace. This is an exceptional workplace. CGIAR कोई common workplace नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही कमाल की काम करने की जगह है. The social, environmental goals and etc. It's really, really a serious job. And if we have chosen to make a career in this institution, हमने इस चुनौती भरे माहौल में और इस संस्थान में काम करना चुना है. मैं अपने साथियों को, अपने मैनेजर्स को, उन सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगी. उनकी मदद के बिना मैं यहां तक ना पहुंच पाती. स्वाति, आपके इन प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत शुक्रिया. अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन में हैं. मैं मंच ऑडियंस को देना चाहूंगी. मुझे स्लाइडों के जरिए कई सवाल मिले हैं. पहला सवाल है, कृपया आप हाथ उठाइए, अपना कैमरा अनम्यूट कीजिए. आप स्लाइडों के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं. मुझे स्लाइडों से ये सवाल मिला है, विमेन लीडर्स को बनाने, विमेन लीडर्स को साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए मेंटरशिप का क्या महत्व है? मुझे लगता है मैं भी देर सवेर इस मेंटरशिप वाले स्टेज में शामिल दाखिल हो जाऊंगी. मुझे लगा कि जब ये प्रतिष्ठित सम्मान घोषित हुआ और मुझे मिला तो मुझे काफी अनुरोध आने लगे कि मुझे काफी डिस्कशंस में बुलाया जाने लगा. मैंने उनमें हिस्सा भी लिया और मैंने देखा कि उसमें काफी युवा प्रोफेशनल्स उसमें हिस्सा लेते हैं. विद्यार्थी भी उसमें आए जो ऑर्गेनाइजेशनल स्पेस में जाना चाहते थे, अलग अलग मंचों के जरिए, अलग अलग नेटवर्क्स के जरिए. और मुझे ऐसे बहुत सारे अनुरोध मिले गाइडेंस के सिलसिले में. मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि उन्हें पूरा सपोर्ट दी जाए.
मैंने अपने स्तर पर लोगों को सपोर्ट देने की कोशिश की है. मेरी जो सलाह होती है वो मेरे अनुभव को दर्शाती हैं. मैंने ज्यादातर स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स के साथ काम किया है. ये लोग मेरे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स में बहुत महत्व रखते हैं, उसका खास हिस्सा है. Enhancing their research capacity, caliber, and also like, you know, making choices for their career, also helping them in, you know, in their juggles between the personal and professional dilemma as a woman to woman. मैं उनके professional और personal जो dilemma होता है उसको सुलझाने में भी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी सलाह इस बारे में दे सकूँ. मैं खुद को सीमित नहीं करती हूँ और मुझ तक लोग आसानी से पहुंच बना सकते हैं. मैं अपने अनुभव खुशी से उनसे बांटूंगी. बहुत बहुत धन्यवाद. मधुलिका, अब आप एक सवाल पूछिए. आप फीमेल साइंटिस्ट को क्या सलाह देना चाहेंगे जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रही हैं? पहली सलाह तो ये होगी, हम जिस तरह का कार्य करते हैं ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है और ये समाज के भले के लिए है. मुझे इस काम को करते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है. और हमारे काम के जरिए जो रिजल्ट सामने आते हैं उनको देखते हुए हमें अपने काम को कभी रोकना नहीं चाहिए. जो सब लोग करते हैं आप उससे थोड़ा अलग हटकर काम करें, कुछ नया करने की कोशिश करें. Stages for many women, probably it requires more effort than their male counterparts because they have to balance multiple roles. कई क्षेत्रों में महिलाओं को अपने पुरुष साथियों के मुकाबले ज्यादा काम करना पड़ता है क्योंकि उनको कई क्षेत्रों को संभालना होता है. पर मेरा कहना यह है कि कि आप अपने अपने को पारंपरिक दायरों में सीमित ना करें. Thinking that probably if you miss out or you know the fear of missing out you know often glares at us and this is a psychology that many young women go through and you can prioritize your you know life's goals very well. आप अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राथमिकता तय कर सकते हैं और आप इस बारे में साफ साफ लोगों को बता भी सकते हैं. आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होगी जीवन के अलग अलग भागों में. बहुत बहुत धन्यवाद. शुक्रिया. स्वाति और मधुलिका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद. आज की चर्चा बहुत ही दिलचस्प रही. हमें खुशी है कि आपने अपने प्रोफेशनल और पर्सनल एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया. आपने अपना कीमती समय हमें दिया. साथ ही हम ऑडियंस का भी शुक्रिया करेंगे जिन्होंने इस सेमिनार में हिस्सा लिया जो था वीमेन लीडर्स इन साइंस पर आधारित. बहुत बहुत धन्यवाद. हेलो, मेरा नाम है कैरोलिना त्रिवेली. मैं हूँ एक इकोनॉमिस्ट. मैं सीनियर रिसर्चर हूँ इंस्टीट्यूटो द एस्टेडियोस पेरेनोस में. ये पेरू का सबसे पुराना संस्थान है और प्रसिद्ध भी. मैं तीन प्रमुख एरियाज में रिसर्च करती हूँ. एलिविएशन इन सोशल पॉलिसीज, ग्रामीण विकास और फाइनेंशियल इंक्लूजन.
मैं 20 साल से रिसर्च के फील्ड में हूँ और उसके बाद मुझे पेरू के पहले मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट एंड सोशल इंक्लूजन के तौर पर इनवाइट किया गया। मेरे लिए ये बड़ी चुनौती थी क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं नए सेक्टर बना सकूं और सोशल इंक्लूजन का काम कर सकूं पेरू में। मेरा एक तिहाई समय जाता है रिसर्च में, एक तिहाई परामर्श और कंसल्टेंसी सेवाओं में, और बाकी एक तिहाई सामाजिक संगठनों के साथ मेंटरिंग में, सिविल सोसाइटी और प्राइवेट फर्म्स के साथ काम करने में, पब्लिक सेक्टर ऑफिसर्स के साथ, ताकि सामाजिक स्थितियों को सुधारा जा सके, सबको बेहतर अवसर दिए जा सके, देश को निखारा जाए, कामयाबी की रफ्तार बढ़े सबके लिए। मैंने कई समय प्रोफेशनल वीमेन की मेंटरिंग की है, यंग वीमेन ऑर्गेनाइजेशन की मदद की है, ताकि ये पक्का हो कि इस देश की हर महिला अपने सपनों को साकार कर सके, जो वो चाहती है वो कर सके, उन्हें भी सही अवसर मिले। हम इस देश में महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए जो भी काम करते हैं उससे उनके लिए बेहतर नतीजे निकलते हैं और साथ ही इससे पूरे समाज में भी सुधार आता है। इससे इस देश की हर महिला के लिए ही हालात सुधरते हैं, तो मुझे यहाँ होने पर बड़ा गर्व है और उम्मीद करती हूँ कि हम इस बारे में और चर्चाएं करते रह पाएंगे। अगले सेमिनार में हिस्सा लीजिए 5 दिसंबर 2023 को।